नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के बारे में। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर बने बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस ब्रिज का उद्घाटन कर ही दिया है। ब्रिज के उद्घाटन समारोह में केजरीवाल ने कहा कि लाल किला, कुतुब मीनार के बाद अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से दिल्ली को जाना जाएगा। सीएम ने कहा कि यह ब्रिज इसलिए बन सका क्योंकि आज ईमानदार सरकार है। काम रोकने का प्रयास किया गया और अधिकारियों को डराया गया। केजरीवाल ने पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नेहरू बड़े संस्थान न बनाकर मंदिर बना देते, 182 मीटर का स्टैचू बना देते तो क्या आज देश विकास कर पाता। उन्होंने कहा कि देश को मंदिर मस्जिद की नहीं विकास की ज़रूरत है। समारोह में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लोक निर्माण मंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी के सभी सांसद, विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में सिसोदिया ने कहा कि हमारे पैसे से स्काई वॉक का उद्घाटन करते हो और हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते हो, इसलिए मनोज तिवारी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। सोमवार से यह जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह ब्रिज अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में है। इससे पहले सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया था जब केजरीवाल से पहले दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अपने समर्थकों के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंच। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेता को मंच पर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद भारी हंगामा शुरू हो गया। तिवारी मंच पर जाने के लिए अड़े रहे, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जनता को समर्पित होने वाली यह सबसे बड़ी परियोजना है। सोमवार से यह जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह ब्रिज अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में है। मुख्य आकर्षक 154 मीटर ऊंचे मुख्य पिलर के ऊपर चढ़कर लोग दिल्ली को निहार सकेंगे। तो चलिए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने संबोधन में क्या कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि फॉरेन कंट्री से कोई भी टूरिस्ट भारत में आएगा तो उसकी लिस्ट में या तो नंबर एक पे या नंबर दो पे सिग्नेचर ब्रिज हुआ करेगा। ये जो ऊपर तक आप देख रहे हो ये कितने मीटर है, कितने मीटर है? ये 154 मीटर है, 154 मीटर ऊपर है। ये पूरी दुनिया में जितने भी इस किस्म के ब्रिज हैं उसमें सबसे ऊंचा ब्रिज आपका सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली के लोगों का। आज से चार दिन पहले एक स्टैचू का उद्घाटन किया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू का उद्घाटन किया गया था। उसकी ऊंचाई थी 182 मीटर। दोस्तों, देश को तय करना है, हमें इस दुनिया के सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन पुलों की जरूरत है कि स्टैचू की जरूरत है। अभी मनीष जी ने बताया कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ा इस पुल को बनवाने में। अफसरों को धमकियां दी गई, सीबीआई की इंक्वायरी करा देंगे, फाइलों पे अफसरों से उल्टा सीधा लिखवाया गया। कैबिनेट मीटिंग के अंदर कैबिनेट मीटिंग को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, केवल और केवल एक वजह से आज ये पुल बन के तैयार हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि आज दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। जब उन्होंने धमकी दी कि सीबीआई की रेड करवा देंगे, हमने कहा तुम्हारी सीबीआई से डर नहीं लगता, हमारे ऊपर मोदी जी पहले ही सीबीआई की रेड करा चुके, उनको कुछ नहीं मिला। ये तो हम ईमानदार हैं, इस वजह से फाइलों पे सारे काम हम पास करते गए। इस वजह से दोस्तों आज ये पुल बनके तैयार हुआ है।
नहीं तो उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी। अगर आज दिल्ली में ईमानदार सरकार नहीं होती तो कम से कम 5 साल तक और ये पुल बन के तैयार नहीं होता दोस्तों। और आज मुझे कहते हैं बेहद खुशी है, कोई एक आदमी जिसकी वजह से आज ये पुल बने उसका नाम है मनीष सिसोदिया। इन्होंने पिछले 1 साल से हर हफ्ते ये इस पुल पे आते थे, हर हफ्ते इस पुल का जायजा लेते थे, इंजीनियरों से मिलते थे, अफसरों से मिलते थे, और जितने बेधड़क तरीके से इन्होंने फाइलों के ऊपर आदेश किए आज यह सारी दिल्ली मौजूद है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ मनीष सिसोदिया का। दोस्तों आज अगर देश को आगे बढ़ना है, आज अगर भारत को आगे बढ़ना है तो केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान और इंजीनियरिंग के तरीके से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों हमें साइंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज ये जो आप पुल देख रहे हो ये एक तरह से इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जब तक हम साइंस और इंजीनियरिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये देश आधुनिक भारत नहीं बन सकता। मैं कल से सोच रहा था, जब जब मैं इस पुल के बारे में सोचता हूं मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री की याद आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में देश आजाद हुआ, देश के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी, देश पिछड़ा हुआ था, एक आधुनिक भारत की अपने को नींव रखनी थी। हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी IIT खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना देते। दोस्तों मैं भी IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूं, मुझे नहीं लगता मैं भी पढ़ पाता IIT खड़गपुर के अंदर। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी BHEL की जगह एक मंदिर बना देते क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। दोस्तों आधुनिक भारत की नींव BHEL बनाने से रखी जाती है, सेल बनाने से रखी जाती है। आज दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 8,000 क्लासरूम बनाए हैं, ये एक एक क्लासरूम मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अभी 10,000 क्लासरूम और बन रहे हैं, इन 10,000 क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे बड़े होकर देश का विकास करेंगे। आधुनिक भारत की असली नींव ये है दोस्तों। आज LNJP हॉस्पिटल इसमें 3,500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल है, उसको चाचा नेहरू ने बनाया था। दूसरे नंबर का हॉस्पिटल LNJP बनने जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। ये देश के असली मंदिर है दोस्तों, ये देश के। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल स्कूल सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी। दोस्तों दिल्ली के इतिहास में पहली ऐसी इमारत बनी है जिसको सरकार ने बनवाया है, जिसको दुनिया देखने आया करेगी, ऐसी इमारत पहली बार आजादी के बाद दिल्ली में बनी है।
जिस दिल्ली को हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, जिस दिल्ली को हम लाल किले के नाम से जानते हैं, जिस दिल्ली को हम इस्लाम से जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है, आने वाले समय में इस दिल्ली को इस नाम से भी जाना जाया करेगा कि यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज है। आज उस कंस्ट्रक्शन का, आज उस रचनात्मक कार्य का उद्घाटन करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐतिहासिक इसलिए कहा क्योंकि मुगलों के समय में कुतुब मीनार और लाल किले जैसी इमारतें तैयार हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने इंडिया गेट और प्रेसिडेंट हाउस जैसी इमारतें बनाई। आजादी के बाद दिल्ली के इतिहास में अगर दिल्ली को पहचान वाली दो इमारतें मैं ईमानदारी से कहूं तो वो है लोटस टेंपल और अक्षरधाम मंदिर। लेकिन वो सरकारों ने नहीं बनवाए, समाज ने खड़े करवाए थे। आजादी के बाद दिल्ली का सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आया करेंगे, जिससे दिल्ली की पहचान बनेगी, जिसकी तस्वीरें दुनिया के किसी भी कोने में घूमे वो दिल्ली की तस्वीरें कहलाएंगी, उससे लोग पहचान लेंगे ये दिल्ली है, वो आपका सिग्नेचर ब्रिज होने वाला है। उसका उद्घाटन करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हैं। और आया कि 2004 से इसकी शुरुआत हुई, आज जब हम इस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत एक्चुअली 2004 से नहीं हुई, इसकी शुरुआत 1997 से हुई थी, 1997 से हुई थी। यहां से पास के पुल पर एक बस गिरी थी जिसमें बच्चों की डेथ हो गई थी। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने कहा था कि वजीराबाद बुद्ध के इसके पास में एक और पुल यमुना के ऊपर बनाना चाहिए, वहां से इसका विचार आया था। लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं हो पाया 2004 में। आज हम सबको याद करेंगे जहां जहां से याद हुआ, जहां जहां से इसमें कहीं से भी योगदान हुआ।